रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी स्पेशल राइस की रेसिपी। ये बनाना नहायत आसान है और अगर आप इन्हें एक दफ़ा घर में बना के खाओगे तो आपका दिल चाहेगा इसे बार बार बना के खाएं। और अगर आप अपने मेहमानों से तारीफ सुनना चाहते हैं तो ये वाला राइस बना के उन्हें ज़रूर खिलाएगी, आपकी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए आइए आपसे इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी ले लिया है, अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो पानी हमारा बॉईल हो चुका है। यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज़ के छोटे क्यूब में कटे हुए आलू डाल देंगे और अब हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून जर्दा कलर डाल देंगे, येलो कलर, और चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। और अब हम आलूओं को भी बॉईल कर लेंगे अच्छे से। जर्दा कलर डालने से आलूओं का बहुत अच्छा कलर आएगा। तो देखिए जी, आलू हमारे यहाँ पे डन हो चुके हैं, ज़बरदस्त से हमारे आलू गल चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको फोक की मदद से चेक करेंगे कि आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। तो देखिए जी, आलू हमारे बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं, तैयार हैं। तो अब हम इनका पानी निकाल लेते हैं और अब हम यहाँ पे रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आलू हमारे गल चुके हैं, तैयार हैं आलू। तो अब हम यहाँ पे कढ़ाई में बहुत सारा पानी ले लेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। तो देखिए जी, पानी हमारा बॉईल हो चुका है और अब हम यहाँ पे 1 गिलास चावल हमने भिगोए थे 1 घंटे के लिए, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। सेला चावल हमने लिए हैं, अगर आपके पास बासमती चावल है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से बॉल को साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए जी, चावल हमने डाल दिए। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल डाल देंगे और 2 टेबल स्पून यहाँ पे सिरका डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के नमक, और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चावलों को हम बॉईल होने देंगे। चावलों को आपने फुल डन करना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो देखिए जी, चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे चावल बॉईल हुए हैं। तो अब हम इनका पानी निकाल लेंगे। तो देखिए जी, चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप ऑयल और थोड़ा सा इसे गर्म कर लेंगे। तो देखिए जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे आपने 2 अदद अंडे ले लेने हैं और फेंट के आपने इस तरह से ऑयल में डाल देने हैं। और अब हम इसको अंडे को कुक करेंगे और आपने फटाफट से चम्मच पर चलाना है और आपने इसको तोड़ लेना है, छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं इस तरह से। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अंडे को। तो देखिए जी, अंडा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं कढ़ाई में से और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे और अब हम इसको 1 मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो देखिए जी, अदरक लहसुन सौते हो चुका है। यहाँ पे हम जो हमने आलू बॉईल किए हैं ये हम इसमें डाल देंगे और अब हम यहाँ पे साथ ही वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे जो हमने कट की हैं। 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ले ली है क्यूब में कटी हुई छोटी छोटी, और गाजर हमने एक दरमियाने साइज की ली थी उसे भी छोटा छोटा क्यूब में काट लिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। और साथ ही यहाँ पे हम सॉसेस शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून भर के हम यहाँ पे चिली सॉस डालेंगे और यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो देखिए जी, वेजिटेबल्स कुक हो चुकी हैं और यहाँ पे हमने डाल दी है बंद गोभी। 1/2 कप हमने बंद गोभी ले ली है, हमने इसमें डाल दी है और मिक्स करेंगे। और साथ ही यहाँ पे हमने जो अंडा फ्राई किया है ये हम इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। देखिए जी, अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो हमने चावल बॉईल किए हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे। देखिए कितने अच्छे चावल हमारे बॉईल हुए हैं ऑयल और सिरका डालने की वजह से। तो ये हम इसमें डाल देंगे सारे के सारे चावल और चावल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करनी है आपने ताकि अच्छे से आपके राइस तैयार हो जाएं। देखिए जी, अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और एग फ्राइड राइस, वेजिटेबल राइस तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी से इसमें से खुशबू आ रही है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मिक्सिंग हो चुकी है यहाँ पे, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए जी, ज़बरदस्त से हमारी आज की चावल की रेसिपी, राइस की रेसिपी तैयार हो चुकी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के ज़रूर खाइएगा और अपने मेहमानों को भी बना के खिलाइएगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।